लद्दाख का एक्सपीरियंस लेते हुए प्रधानस ब्लॉक, आप लोग के भाई संगीत प्रधान, और आप लोग को दार्जिलिंग में ही, यानी कि दार्जिलिंग मिरिक में ही आप लोग को लद्दाख वाली फीलिंग देते हुए भाई का जो चैनल है प्रधान ब्लॉग्स, उसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाई अच्छा ब्लॉग भी बना रहा है, तो आप लोगों भी सपोर्ट कीजिए, भाई को प्यार दीजिए। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज संगीत हियर एंड यू आर वाचिंग प्रधानस ब्लॉग। सो गाइस, आज जो मैं छोटा राइड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, और राइड जो है बुंकुलिंग की तरफ होगा। शायद आप लोग नाम को लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे होंगे, क्योंकि बुंकुलिंग जो है ज़्यादातर हम लोग को देखने को नहीं मिलता यूट्यूब में। और ये जो है मिरिक के अंडर में ही एक गांव है, जो कि बालासन नदी के ठीक ऊपर। तो ये रहा पानीघाटा पुलिस आउटपोस्ट, और यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ते हुए आप लोग का भाई, आप लोग का दोस्त ये रास्ता है गाइस, जो कि काफ़ी बार रिपेयरिंग करने के बावजूद भी जैसे के तैसे होता है। तो यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर है, जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखे हमको भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और यहाँ पे थोड़ा अच्छा रास्ता देखने को मिल रहा है। अभी ये स्कूटी का भी थोड़ा सेकेंड सर्विसिंग कराने का डेट आ चुका है। और यहाँ पे देखिए, एक स्कूटी में तीन तीन बंदा, एक बाइक में भी तीन तीन बंदा चलते हुए, हालांकि ऐसा ना करें। तो ये रहा दूधे ब्रिज, और ये रहा दूधे पिकनिक स्पॉट, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल है आज का मौसम की वजह से। एक जो वाइट जो पेंट करते हैं रोड के साइड में और बीच में, वो काम चल रहा है इधर पे। अगर नॉर्मल डेज होता और ऐसे, मतलब आज तो मकर संक्रांति है, तो ऐसे दिन रहता तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ देखने को मिलता हम लोग को। लेकिन आज वही कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये सब एरिया जो है सूना सूना सा लग रहा है। तो आप देख रहे होंगे वो जो रास्ता है, वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, वो रास्ता मुझे जाना है। हालांकि वो रास्ता ना चलते हुए मैं नहीं गया उस रास्ता से, काफ़ी साल आगे उस रास्ता से मैं ट्रैवल किया था, लेकिन बहुत साल हो गया है, लगभग 5-6 साल हो गया है वो रास्ता से मैं अभी ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। उस तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसीलिए सोच लिया आज कि चलिए थोड़ा बुंकुलिंग का शेयर करके आते हैं। ये देखिए, ये जो है आयरन ब्रिज अब्दुदिया। देखिए ये जो बालासन नदी है ना, यही ठीक हम लोग को ऊपर देखने को मिलेगा, हालांकि इससे थोड़ा चौड़ा देखने को मिलेगा शायद वहाँ पे। और बड़ा सा एक ब्रिज है जो गैमन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और वो एरिया जो है ना पिकनिक के लिए ना इतना बढ़िया लगता है ना, वो जो लाइक कोरोनेशन ब्रिज जैसा फील देता है उधर पे। लास्ट टाइम में ये रास्ता जा रहा था मिरिक, तो यहाँ पे काम चल रहा था सड़क का, रोड का, तो अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है और वाइट भी पूरा पेंट कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कितना चौड़ा रास्ता हो गया है। मेरा स्कूटी धूम मचाते हुए, धूम मचा ले, 1 2 3 4, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम धूम। दोस्तों, मैं जहाँ पे आप लोग को बता रहा था ना कि जहाँ से आप लोग को राइट टर्न लेना है, ठीक वो पॉइंट आने वाला है, तो ये रहा 0 पॉइंट। ठीक है, ये रहा 0 पॉइंट, यहाँ से आपको राइट की तरफ जाना है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता राइट
यानी कि जीरो पॉइंट कहते हैं इसको, तो यहाँ से आपको राइट की तरफ बढ़ना है और यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू होता है। देखिए ऑफ रोडिंग जैसे शुरू हुआ वैसे ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुआ। तो जब ऐसे उबड़ खबड़ का रास्ता आता है ना, तो टोटली मेरा कंसंट्रेशन जो है ड्राइविंग पे यानी कि राइडिंग पे चला जाता है। तब तो फिर बोलने का यानी कि व्लॉगिंग करने का उतना ध्यान नहीं जाता है फिर भी। और यहाँ से जो है ना मस्त व्यू देखेगा आपको एकदम पूरा। देखिए शायद कैमरा में उतना दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आगे से ट्राई करता हूँ। इधर पे रास्ता बन रहा है, देखिए रास्ता बन रहा है, रास्ता बन रहा है। ओ ये बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह जाता है इसलिए रास्ता खराब हो जाता है, फिर भी बनाने के लिए तो ये छोटा बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह तो जाना ही पड़ेगा ना। चलिए देखिए अब इसके दो पत्थर के बीच में से निकलते हुए प्रधान्स ब्लॉक। देखिए ये सारा ये पिकनिक स्पॉट है, ये जितना भी है ना ये सारा पिकनिक स्पॉट है। लेकिन क्या करें, पिकनिक तो हो नहीं रहा है। पूरा एंड तक शायद मेरे को ऐसे ही रास्ता देखने को मिलेगा। ये देखिए वाह कैसे बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। देखिए आपको आपको दिखा दूं यहाँ से कैसे बढ़िया नज़ारा दिख रहा है ना। छोटा छोटा हॉट वगैरह भी इधर पे बना दिया गया है और साथ साथ में देखिए आप ये अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन क्या करे गाइस, अच्छा ये जो है डंपेटार, ठीक है वहाँ पे है ये सब तो पूरा एकदम ठीक ही है। ये डंपेटार रहा, मैं सोचा कि उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हम, लेकिन नीचे ही है। चलिए जाते हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। आ गए, अरे कीचड़, ये कीचड़, अरे हो कीचड़, अरे हो कीचड़, अरे हो कीचड़। ये लद्दाख वाले फीलिंग गाइस, लद्दाख वाले फीलिंग। वाह ए ए ए ए ए ए वाह बहुत बढ़िया 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 वाह बहुत बढ़िया। लेकिन अभी बढ़िया नहीं, अभी कैसे जाएगा। रास्ता तो काफ़ी ऑफ रोड और कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लद्दाख का एक्सपीरियंस लेते हुए प्रधान्स ब्लॉक, आप लोग की भाई संगीत प्रधान और आप लोग को दार्जिलिंग में ही यानी कि दार्जिलिंग मिरिक में ही आप लोग को लद्दाख वाली फीलिंग देते हुए चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी के भाषा में चलिए शुरू करते हैं लद्दाख वाली राइड मिरिक पे। वाह तो ऐसे में ना अगर आप स्कूटी चला रहे हैं ना तो आपको प्रॉपर फीलिंग होगा कि मतलब ये इतना ऑफ रोडिंग स्कूटी के लिए नहीं है, क्योंकि जो सस्पेंशन सिस्टम चाहिए ना इतना ऑफ रोडिंग का, तो वो तो एक ऑफ रोडिंग बाइक में ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए आप गाइस, यहाँ से देखिए तो ये जो एरिया है तरवा है शायद, हाँ तरवा है और यहाँ पर खेती वगैरह भी दिखाई दे रहा है शायद आपको, ये है एक्शन कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा। तो लास्ट टाइम मैं उस तरफ मैंने कैंपिंग किया था, तो कोशिश करता हूँ कि इस बार भी मैं आके वही उसी तरफ कैंपिंग करूँ और पूरा होल नाइट स्टे करूँ। तो अभी तो बढ़ते हैं बुंकुलुंग की तरफ। अगर आपको ना गाइस सिलगुड़ी के आसपास में जितना भी बाइकर है या मोटो बाइकर मोटो ब्लॉगर है जो भी है बाइकर बोल सकते हैं ना, अगर आप लोग को चाहिए तगड़ी लेवल की ऑफ रोडिंग, तो आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है आप ये रास्ता आइए, आपको मिलेगा तगड़ी लेवल का ऑफ रोडिंग। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत राहत का सांस लेते हुए, मैंने सुना था आगे तो मतलब कहीं ना कहीं पिच रास्ता है बन चुका है, लेकिन मैं गलत साबित हो गया दोस्त। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड चला सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना काई को उतना हड़बड़ी काई को जाना है, आप लोग को दिखाना है वहाँ पे, हाँ थोड़ा बहुत दिखाना है, एक्सप्लोर करना है। हाँ ये देखिए
चलो भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है, कोई बात नहीं। हमारे हम सफ़र है ना, ये हम सफ़र इतना तो पार कर ही देगा। अभी देखिए यहाँ पे भाई लोग मस्त नाश्ता करते हुए, वाह बढ़िया। लेबर लोग जितना भी यहाँ पे ये साइट पे काम कर रहे हैं ना, वो सब पूरा एकदम अपना लंच करते हुए, हालांकि मेरे को भी भूख तो लग गया, वो लोग लंच कर रहे हैं ना तो देखने के बाद में मेरे को भी भूख तो लग गया, फिर भी अपने भूख को संभालते हुए, अपने पेट को, पेट पे जो चूहे चल रहे हैं उसको संभालते हुए प्रधान ब्लॉक आगे बढ़ते हुए, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए अपने हम सफ़र में। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए ऐसे ऑफ रोडिंग तो ना शायद आपको कैमरा में जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये जो ऑफ रोडिंग है ना, ये मतलब अपनी आँखों से यानी कि खुले आँखों से ही आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बाइकर हो और इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग की हो तो आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ना बताते हुए भी आप उस मतलब ऑफ रोडिंग का लेवल को फील कर रहे होंगे। गाइस बहुत ऑफ रोडिंग के बाद में मैं ग्यामन आ पहुँचा हूँ, और ग्यामन में आते ही एक अच्छा सा वाइब मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना देखने को मिल रहा है एक पहाड़ पहाड़, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ पहाड़, और साथ में एक अच्छा सा रिवर जहाँ पे हम लोग पिकनिक कर सकते हैं। लेकिन इस बार जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से पिकनिक उतना हो नहीं पा रहा है, फिर भी कुछ एक पिकनिक आया हुआ है, और एक बाइकर का ग्रुप जो है, बाइकर का ग्रुप है जो नीचे जाते हुए शायद वो पिकनिक करेगा वो लोग भी। तो यहाँ से अगर आप, मैं सीधा जाऊँगा तो कश्यप की तरफ जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं इस तरफ जाऊँगा तो ध्वजे होते हुए मैं नागारी, उसके बाद में पोखरियापुर, सुखिया पोखरी, दार्जिलिंग जा सकता हूँ गाइस। तो यहाँ का जो फीलिंग्स है ना गाइस, एक अलग लेवल का है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ का आते एकदम पूरा एकदम अच्छा सा ये हवा पूरा महसूस करते हुए गाइस। तो गाइस मेरे चैनल पे, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यहाँ का जो है ना रील्स, बढ़िया सा रील्स आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम में। तो चलिए इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कीजिए, फेसबुक में भी जाके फॉलो कीजिए, और एंजॉय कीजिए इस फ्रॉन्ट प्लेस को गाइस। सो गाइस यहाँ का ड्रोन फुटेज आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मैं ऐसे बात करते हुए जा रहा था तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चला यहाँ पे कैंपिंग है बोल के, अगर मैं यहाँ से पूरा एकदम गिर जाता तो एकदम नीचे चला जाता। तो यहाँ का जो ड्रोन फुटेज लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से अभी थोड़ा यहाँ पे रुकते, उसके बाद में देखते हैं नीचे जाने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जो ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे जो एक टनल जैसा है, जो कि सुरंग या तो गुफा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं ट्राई करूँगा वहाँ पर जाने का। तो बने रहिए ब्लॉग पे, अगर अच्छा लगा तो, अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग हिंदी में जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूलिए गाइस। सो फिर बने रहिए ब्लॉग्स में। ऑलराइट गाइस, ये जो ग्यामन ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ का ड्रोन फुटेज आपने शायद देख लिया होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करना ना भूले। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो ब्रिज बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ कि ये जो ब्रिज के नीचे जो है टनल जैसा है, लाइक एक गुफा की तरह है। तो मैं वहाँ पे जाने का कोशिश करूंगा, वहाँ पर मैं जाके देखूंगा। काफी साल आगे मैंने ट्राई किया था, नियर मेरा दोस्त गया था पहले जाते ही, तो बहुत अंधकार लगा था। तो थोड़ा बहुत ट्राई करते करते जाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, कितना डरावना सा लग रहा है। फ्लैश लाइट जलाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा एकदम छोटा सा जगह है, ये देखिए एकदम डरावना सा गुफा की तरह है, एकदम इको भी होता है गाइस। यहाँ पे सांप वाप ना आ जाए, यहाँ पे एकदम इको इको जैसा लगता है। थोड़ी देर रुकते हैं यहीं पर, क्योंकि थोड़ा रुकने के बाद में उजाला सा महसूस होता है। मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, पूरा इको हो रहा है। आस्ते आस्ते करके आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा मेरे को मतलब उजाला सा महसूस हो रहा है। तो साउंड काफी इको हो रहा है यहाँ पे, एक डरावना सा जगह। दूसरा फोन का भी टॉर्च जलाते हुए आप देखिए, थोड़ा आगे घुसने की कोशिश करूंगा मैं। ओ माय गॉड, देखिए आप कितना यहाँ पे कैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। देखिए डरने का कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को डर लग रहा है गाइस। दिखाई दे रहा है कुछ? तो चलिए अंदर नहीं घुसते हैं, तो बाहर का रास्ता नापते हैं। यहां से देखिए आने वाला रास्ता ऐसा है और ये अंदर ऐसा है। काफी डरावना जगह है गाइस ये। तो काफी डरावना जगह है गाइस ये, अकेला जाने में तो काफी डर लगता है। देखिए आप, ये टनल की तरह है, और इधर भी देखिए पूरा एकदम। तो यहां से मैं निकलता हूं अभी। तो इस तरफ जाता हूं गाइस। वो अंदर घुस के ना गाइस, इस तक डर लग रहा था मुझे कि अकेले जाने में डर लग रहा था, लेकिन अगर कोई दोस्त मिलता या तो कोई भी मिलता तो फिर डर नहीं लगता। ये जो पूरा दिख रहे हैं आपको, ये पूरा एकदम इसके अंदर 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 हम लोग जा सकते हैं। देखिए गाइस, काफी बढ़िया व्यू है गाइस यहाँ पे आके। मुझे मतलब स्वर्ग सा फील हो रहा है, क्योंकि एकदम हाँ इतना मजा आ रहा है। देखिए पिकनिक का जो है यहाँ पे, अभी भी पिकनिक चल रहा है। तो मैं वहाँ पे जाके कुछ खाऊंगा और उसके बाद में फिर से चलते बनते हैं। तो गाइस, ये जो है ग्यामन ब्रिज, जो कि बुंकुलुंग बालासन के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं आए तो मैं इसका लोकेशन बता दूं कि ये जो अगर आप करशेंग से आ रहे हैं, तो करशेंग से नीचे मकईवारी की तरफ जाते हुए एक फाटक जो है अम्बटिया टी गार्डन की तरफ आता है, वो अम्बटिया टी गार्डन होते हुए रास्ते होते हुए आ सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए मिरिक से आते हैं, तो मिरिक से मंजू की तरफ से आ सकते हैं बुंगलुंग होते हुए। अगर आप पशुपति या तो इधर पे धजिया से आते हैं, तो धजिया से डायरेक्ट जो बुंगलुंग की तरफ आता है रोड, वहां से आ सकते हैं। और साथ ही में आप दूधे की तरफ से आ रहा है, तो दूधे से जीरो लेके जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते लेते हुए आप आ सकते हैं गाइस। तो ये लोकेशन रहा, और काफी बढ़िया लोकेशन है। तो पिकनिक के लिए भी काफी बढ़िया लोकेशन है गाइस। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं मतलब ये अंदर घुसने का कोशिश किया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो जरूर मैं इसके अंदर में घुसूंगा। सो यहाँ से निकलते हैं गाइस, और यहाँ से निकलने के बाद में मैं अभी जो रास्ता आया था उस रास्ते हुए नहीं जाऊंगा, कौशिंग होते हुए मैं जाऊंगा, ताकि दूसरा लोकेशन भी आप लोग को दिखा सकूं, दूसरा वे भी मैं भी ट्राई कर सकूं, एक्सपीरियंस कर सकूं। तो वो वाला रास्ता कैसा है मैं खुद देखना चाहता हूँ गाइस। सो यहाँ से निकलते हैं गाइस, अभी बने रहे ब्लॉग पे। गाइस यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, अभी मैं कौशिंग की ओर जा रहा हूँ, और ये जो अम्बोटिया वाला रास्ता लेके मैं कौशिंग की तरफ जा रहा हूँ।
अरे देखिए, ये भी शुरुआत में ही थोड़ा ऑफ रोडिंग देते हुए, लेकिन उस लेवल के ऑफ रोडिंग नहीं जिस लेवल की मैं आते समय मुझे मिला था। आई होप आप लोग को ये जो एंगल जो है कैमरा एंगल ठीक ही आ रहा होगा। और ये भी मुझे लग रहा है ये कि कौन सा जंगल में मैं जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे मैं मतलब जो ग्यामन ब्रिज जो है ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला आया था, तो वहाँ पे मैं रुकने का नहीं मिला। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा, और नेक्स्ट टाइम आते हुए ग्रुप के साथ में आने के बाद में ना साला वो टनल जो है ना, टनल पे तो मैं साला फतेह करूँगा ही, टनल पे मैं जाऊँगा ही। और सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ कर्शियंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर करीबन लगेगा कर्शियंग टाउन पहुँचने में। और वेदर जो है ना धुंधला धुंधला सा हो गया है, तो उतना खास नहीं है वेदर अभी। हालांकि नीचे जब मैं ग्यामन ब्रिज में था तब फिर मतलब तगड़ी धूप लगा था, और बादल भी था, तो कभी कभार धूप कभी कभार छांव ऐसे मतलब अच्छा था वहाँ पे। लेकिन अभी इधर पे कर्शियंग पहुँचने के बाद में यहाँ पे पूरा एकदम फॉगी फॉगी सा लग रहा है, उतना फॉगी भी नहीं है। और एकदम अम्बोटिया होते हुए आने में ना मेरे काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन रहा रोड पे, क्योंकि वो रास्ता मैं कभी आया नहीं था। तो लास्टली मेरे को गूगल दीदी का सहायता लेना पड़ा। हालांकि एक बार गूगल दीदी ने कोलकाता राइड पे मेरे को गांव में छोड़ दिया था, और यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा करके कर्शियंग सिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। सो गाइस, अभी जो मैं हूँ बैम्बो रेस्टोरेंट रोहिणी में, जो कि कर्शियंग से नीचे रोहिणी में है, और मैं अम्बोटिया होके कर्शियंग आया, उसके बाद में रोहिणी आया। बीच का जितना भी वीडियो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो तो वो रूट आप लोग को पता ही है। और उसके बाद में जो मेरा मेन फोकस था आज ग्यामन का था, तो यहाँ पे अभी थोड़ा कुछ पेट पूजा करके उसके बाद में घर के तरफ निकलता हूँ। तो ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि नीचे गाना बज रहा है तो कॉपीराइट इश्यूज आ जाएगा। गाइस, अभी हूँ मैं बैम्बो रेस्टोरेंट रोहिणी में, और देखिए मुझे क्या मिला है। अभी बाइक देख के आपको पता चल चुका होगा, मिसिंग गियर्स यूट्यूब चैनल जो कि रॉकी दा, और अभी वो उस तरफ ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। और हालांकि मैं भी नहीं मिला हूँ अभी तक, कुछ देर बाद में हम मिलते हैं उसके साथ में। और मेरा यहाँ पे स्कूटी देखिए। हेलो रॉकी दा, कैसे? हैप्पी न्यू ईयर। आप ही को वेट कर रहा था मैं। तो देखा, तो बाइक देखा यहाँ पे आपका, तो देखा कि कल परसों भी आए थे ना अर्जुन को मुलाकात करने। तो हम भी छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं, वैसे आपके जैसा चैनल तो नहीं है। बिग फैन आपका, बिग फैन। हैप्पी न्यू ईयर आप पहले। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, आप ये नया ड्रोन लिया ना? तो गाइस कौन मिला है देखिए, मिसिंग गियर्स रॉकी दा। गाइस भाई का जो चैनल है प्रधान ब्लॉग्स, उसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, अच्छा ब्लॉग भी बना रहा है। तो आप लोगों भी सपोर्ट कीजिए भाई को, प्यार दीजिए। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ से अभी निकल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए अच्छा सा जगह है ये रोहिणी में, बैम्बो रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुझे मिला राइडर रॉकी, मिसिंग गियर्स मिला। तो चाय के लिए पूछ रहे थे, कॉफ़ी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन मैं ऑलरेडी फुल हो चुका था, इसीलिए मैं अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ। गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, जो कि ऑलरेडी रॉकी दा ने बोल दिया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो बने रहिए प्रधान्स ब्लॉग के साथ में। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।